क्या आप जानते हैं क्या होगा अगर हमने दुनिया के सभी मच्छरों को मार दिया, या फिर गोली लगने पर मौत जहर से होती है या किसी और कारण से? अगर नहीं पता इन सवालों के साइंटिफिक जवाब, तो बने रहिए फैक्ट चेक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गोली लगने पर मौत जहर से होती है या किसी और कारण से। पहले तो ये समझ लेते हैं कि बुलेट होती क्या है और काम कैसे करती है। जरा ये फोटो देखिए, बताइए कि इस वस्तु का कौन सा भाग बुलेट है। हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि पूरी आकृति ही बुलेट है, लेकिन नहीं, असल में बुलेट सिर्फ आगे की ये नुकीली ठोस धातु का भाग ही है। बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खोखा कहते हैं। अब देखते हैं गोली काम कैसे करती है। वास्तव में गोली एक छोटी सी मिसाइल या रॉकेट ही है। जिस प्रकार रॉकेट का आगे का हिस्सा ही काम करता है और बाकी का हिस्सा मात्र ईंधन लेकर जाता है, ठीक वैसे ही गोली के साथ भी है। गोली के बुलेट केस में खास किस्म का विस्फोटक पदार्थ भरा होता है, जिसे गन पाउडर कहते हैं। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ मौजूद एक खास बिंदु, जिसे प्राइमर कहते हैं, पर जबरदस्त चोट करती है। इस चोट से बुलेट केस का प्राइमर में लगा स्प्रिंग एक्टिव हो जाता है और रगड़ पैदा करता है। इस रगड़ यानी घर्षण से गन पाउडर में बड़ा ही तेज विस्फोट होता है, जो बुलेट को एक जोर का धक्का आगे की ओर लगाता है। बुलेट केस गर्म होकर फैलता है, जिससे उसकी बुलेट पर पकड़ कमजोर हो जाती है और गन पाउडर के विस्फोट के कारण बुलेट केस से आजाद होकर आगे चली जाती है। बस यही सब होता है और ये प्रक्रिया ये बुलेट के काम करने की हो जाती है। ये सारे जतन इसलिए किए जाते हैं ताकि बुलेट को ऊर्जा मिल सके और वो बड़ी तेजी से अपने टारगेट को हिट कर पाए। अब आपका सवाल है कि मृत्यु क्यों होती है। ये बात तो साफ हो गई कि बुलेट पर कोई जहर नहीं लगा होता। और जहां तक मृत्यु का प्रश्न है, तो बता दें मौत बुलेट मनुष्य के आंतरिक अंगों को तोड़ देती है या उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देती है और ये काम करना बंद कर देते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि हमें जीने के लिए हमारी बॉडी को अपने वजन का कुल 7% खून बनाए रखना है, अगर बुलेट सर में या दिल में लगे तो मौत तभी हो जाती है, क्योंकि ये बड़े ही महत्वपूर्ण अंग है और इनसे बहुत सारा खून बह जाता है और हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है और खून की कमी से ज्यादातर मौतें हो जाती हैं। क्या होगा अगर हमने दुनिया के सभी मच्छरों को मार दिया? मच्छर ऐसी बीमारियां फैलाता है जिसकी वजह से दुनिया भर में हर साल करीब 10 लाख लोग मरते हैं। जैसे कि जीका वायरस तो मच्छरों के जरिए ही एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। इस वायरस की वजह से दक्षिण अमेरिकी देशों में कई हजार बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जिनके मस्तिष्क पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर मच्छर नहीं होते तो ये बीमारी भी नहीं फैलती, तो क्या दुनिया से मच्छरों को पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए? आपको बता दें, पूरी दुनिया में मच्छरों के करीब 3,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर नस्लें इंसानों को बिल्कुल भी तंग नहीं करती। ये मच्छर पौधों और फलों के रस पर जिंदा रहते हैं। कुल मिलाकर मच्छरों की केवल 100 नस्लें ही ऐसी है जो इंसानों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इनका इंसानियत पर बहुत ही भयानक असर पड़ता है। आपको शायद ही पता हो कि मच्छरों को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने मच्छरों के जीन में बदलाव करके नर मच्छरों की नई नस्ल तैयार की है। इन जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों में ऐसा जीन है जो मच्छरों की नई पीढ़ी को पूरी तरह से विकसित नहीं होने देता। इस वजह से मच्छरों की नई पीढ़ी अपने बच्चे पैदा करने से पहले ही मर जाती है। अब मच्छरों की पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह खत्म किया जाए तो एक दिन वो नस्ल ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी, फिर उनसे फैलने वाली बीमारियों के फैलने का सिलसिला भी थम जाएगा। ऐसा करीब 30 लाख मच्छरों को कैमन द्वीपों पर 2009 से 2010 के बीच छोड़ा गया। ऑक्सीटेक की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रयोग से आसपास के इलाकों के मुकाबले कैमन द्वीपों पर मच्छरों की आबादी 96% तक घट गई। ब्राजील में चल रहे इस तरह के प्रयोग से 92% मच्छर खत्म हो गए हैं। अब सवाल यह है, क्या मच्छरों को ऐसे खत्म करने के क्या नुकसान है? फ्लोरिडा के कीट वैज्ञानिक फिल लोनीबस कहते हैं कि मच्छरों का इस तरीके से खात्मा करने से कई साइड इफेक्ट हैं जो हम नहीं चाहेंगे। लोनीबस कहते हैं कि मच्छर पौधों का रस पीकर रहते हैं, जिनके जरिए पौधों के पराग फैलते हैं, जिनकी वजह से फूलों का फल के तौर पर विकास होता है। मच्छरों को कई परिंदे और चमगादड़ खाते हैं, वहीं इनके लार्वा से मछलियां और मेंढकों को खाना मिलता है। ऐसे में मच्छरों के खात्मे से कुदरती फूड चैन पर और भी ज्यादा असर पड़ सकता है।
वहीं ओलिविया जर्डसन इस आशंका को खारिज करती है। उनके मुताबिक मच्छरों के खात्मे पर दूसरे जीव इस फूड चैन की कड़ी बन जाएंगे। जर्डसन कहती है कि धरती के विकास के दौरान बहुत सी नस्लें खत्म हो गई। इन प्रजातियों के खात्मे से ऐसा थोड़ी हुआ कि तबाही आ गई, उनकी जगह नई प्रजातियों ने ले ली। फिल लोनिबस इसके जवाब में कहते हैं कि अगर मच्छरों की जगह नए जीवों ने ले ली तो भी दिक्कत ही है। वो चेतावनी देते हैं कि अगर मच्छरों की जगह लेने वाला नया जीव मच्छर जैसा ही या उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका इंसान की सेहत पर और भी बुरा असर हो सकता है। हो सकता है इस नए जीव से बीमारियां और तेजी से और दूर तक फैले, इसलिए मच्छरों को खत्म करना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम होगा जो इंसान के अस्तित्व पर खतरा बना सकता है। इसलिए जो प्रकृति ने बनाया है उसे वैसा ही रहने दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।